मैडम कुकिंग क्लास के लिए बैगन काट रही हूँ। हाँ, इसका कुकिंग क्लास में बनवाएंगे आप लोगों को। हाँ, ये लाल बैगन है, पूरा ले लीजिए, दोनों पेड़ का ले लीजिए। लाल बैगन लंबा जो हो फलता है वही वाला है। हाँ, सबको ले लीजिए। हाँ, चलिए उठा लीजिए, और भी होगा उस पेड़ में, उसको भी ले लीजिए। स्वागत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आर्ट क्लास में एक बार फिर कुकिंग की क्लास है। इसमें आप लोगों को कुकिंग की क्लास में देखिए, बैगन एकदम ताजे ताजे हैं, और इसका स्नैक्स बनाना बताएंगे। चिप्स जैसा भी इसको खा सकते हैं, और स्नैक्स जैसे भी आप चाहें तो भोजन करते समय इसको भोजन के साथ चिप्स जैसा भी खा सकते हैं, और स्नैक्स जब चाय लेते हैं तो चाय के साथ स्नैक्स जैसे भी खा सकते हैं। तो देखिए, इसको एक बार धो लिए हैं, अभी इसको स्लाइस करेंगे, और स्लाइस करने के बाद इसको गोल गोल स्लाइस करना है इसको, और फिर इसको एक बार फिर धोएंगे। और इसमें लगने वाला सामग्री आप लोगों को बताते हैं। ये देखिए इसकी सामग्री, इसमें अमचूर जरूर लगता है, अमचूर, जीरा पाउडर, ये देखिए ये जीरा पाउडर है, ये अमचूर है, और काला नमक, हल्दी, मिर्च इतना डालेंगे, अमचूर जरूर डालेंगे थोड़े स्वाद के लिए, और जीरा पाउडर इतना। पहले इसका पेस्ट बना लेते हैं, पेस्ट बनाएंगे, पेस्ट घोल इसका, ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना ज़्यादा पतला रखना, सभी सामग्री एक कटोरी में पहले पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए आप लोग पहले इसको कटोरी में पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए स्लाइस कर लिए हैं बैगन की, और अच्छे से इसको स्लाइस करके एक बार और धो के पानी छड़ा लिए, और यह पेस्ट भी तैयार है हमारा। और एक चीज़ और बता दें, इसके लिए सरसों तेल लगेगा, सरसों तेल से इसको बनाएंगे। और ये देखिए गैस पे ये तवा गरम होने के लिए रखे हैं, यह चार लोगों के लिए बना रहे हैं, और बहुत झटपट बनता है ये, बहुत जल्दी बनता है ये, तुरंत खाना हो तो भी इसको तुरंत बना सकते हैं, तो यह बहुत जल्दी झटपट बनता है। और इसको सरसों तेल में बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। ये तवा गरम जैसे ही हो इसमें पहले तेल डालेंगे। देखिए हमारा तवा गरम हो गया है, सरसों तेल सब तरफ अच्छे से इसको एक सार कर लेंगे तेल को सभी तरफ, और पेस्ट में जो स्लाइस किए हैं उसको अच्छे से डुबा लिए, और इसमें सभी सामग्री नमक वगैरह अमचूर पाउडर सब डाला, और इसको देखिए इस पर रखते जाएंगे। इसी प्रकार सारे स्लाइस इस पर रखेंगे। और इसको एक चीज़ और बताते हैं, धीमी आंच पे इसको, धीमी आंच पे गैस कम कर देंगे, गैस कम कर देंगे, और धीमी आंच पे इसको सेकना है। उसके बाद कम से कम 10 मिनट सेकने के बाद पलटेंगे इसको, जितना स्लाइस तवा में आ जाए पूरा ही डालेंगे। देखिए अब एक तरफ की सिकाई हो गई है, अब सारे पीस एक तरफ से सीख गए हैं, अब इसको पलटेंगे। ये देखिए पलट करके सभी पीस को पलट देंगे, और एक तरफ इसकी और अच्छे से सिकाई करेंगे 10 मिनट, 10 मिनट और इसको सिकाई करना है। इसमें धनिया पाउडर भी डाले हैं, आप चाहें तो हरा धनिया पेस्ट भी डाल सकते हैं, सूखा धनिया पाउडर डाले हैं स्वाद के लिए। और ये देखिए सबको पलट देंगे अच्छे से, और 10 मिनट तक इसकी और सिकाई करेंगे, सबको पलट के 10 मिनट और धीमी आंच पे सेकना है। इसको धीमी आंच पे पलट के और 10 मिनट सेकेंगे। ये देखिए हमारा यह चिप्स बनकर तैयार है, अब इसको निकालेंगे।
एक चीज बता दें, इसको धीमी आंच पे सेकना रहता है, इसीलिए इसको बनाने में पूरा 25 मिनट का समय लगा। ये देखिए हमारा दोनों तरफ से सीख गया है। अभी इसको झटपट ये बन के तैयार है और अभी इसको सर्व करने के लिए तैयार है। या चिप्स, इसको आप स्नैक्स जैसा भी खा सकते हैं, चिप्स जैसा भी, और यदि आप इसके साथ में चटनी वगैरह भी खाना चाहे तो। वैसे नहीं लगता इसके साथ चटनी, क्योंकि इसमें अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर सब है, इसलिए इसके साथ कुछ नहीं लगता। बिल्कुल इसको आप चिप्स जैसे खा सकते हैं और इसको गरम गरम भी खा सकते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने पे भी इसको। तो चलिए पूरा ये सब निकाल लेते हैं और सर्व आप लोगों को सर्व करते हैं। बिल्कुल ये खाने के लिए एकदम रेडी है। सारे पीस निकाल लेते हैं। इसमें खासियत ये है कि झटपट यह बनता है और स्वाद भी इसका बहुत ही अच्छा है। लाल बैंगन आप किसी भी लाल बैंगन से इसको बना सकते हैं। कोई भी लाल बैंगन साइज में यदि बड़ा हो तो भी आप इसको बना सकते हैं। देखिए एकदम कुरकुरे बने हैं ये। किसी भी लाल बैंगन से आप बना सकते हैं। मार्केट में अभी लाल बैंगन आ भी रहा है तो बनाइए यह नाश्ता। देखिए चिप्स बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही स्वादिष्ट हैं।